हेलो एवरी वन सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है हमने जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो ख़त्म कर लिया था और लास्ट क्लास से हमने हमारी एन सी आर टी बुक का चैप्टर नंबर थ्री दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वी हैव स्टार्टेड विद दैट चैप्टर ठीक है उसमें भी हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था अबाउट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव द डिफरेंसेस दैट दे हैव एंड द बेसिक इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन अ ह्यूमन ठीक है और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके तो हमने क्या क्या था कि सबसे पहले डिस्कस किया था कि भाई ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज़ सिचुएटेड इन दी पेल्विस रीजन इट इज़ द रीजन और इट इज़ द एरिया दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एब्डोमेन एंड द लेग्स ठीक है ये क्या करती है इट इंक्लूड्स द टेस्टिस द एक्सेसरी ग्लैंड द एक्सेसरी डक्ट्स ठीक है एंड द एक्सटर्नल जिनेटीलिया एक एक करके हम क्या करेंगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन वॉस जो हम डिस्कस करने वाले थे दैट वॉज दी टेस्टिस ठीक है ये क्या होता है मेल गोनाइड होता है ओके दिस इज ओवल इन शेप एंड इट इज कंप्रेस्ड साइड बाय साइड ठीक है इसमें क्या होती है कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट टेस्टिस होती है इट इज कम्पेरेटिवली डाउन और या लोअर लेवल पे होती है एज कम्पेयर टू राइट वन ठीक है ताकि उनका क्या हो कोलैप्स नहीं हो एक दूसरे से और यह क्या होता है अगर अपन इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज़ अबाउट फोर टू फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ एंड टू टू थ्री सेंटीमीटर इन दी वेट ठीक है दीज टेस्टिस आर नॉट सिचुएशन सिचुएटेड इनसाइड द एबडामिनल कैविटी ठीक है these testes or these pair of testes are situated outside the abdominal cavity in a pouch named scrotum theek hai ye scrotum kya hota hai pouch hota hai jisme kya hoti hai male testes present hoti hai इन दो testes के बीच में एक septum भी होता है जो कि क्या होता है scrotal septum okay अब ये scrotum में situated क्यों होती है क्योंकि it helps in maintaining the टेम्परेचर दैट इज़ नेसेसरी फॉर द स्पमेटोजेनेसिस या स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए इस प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर इज नेसेसरी ना उसको क्या करती है ये मेंटेन करके रखती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर नेसेसरी होता है वो क्या होता है दो से ढाई डिग्री कम होता है एज़ कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर ठीक है जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे दो से 2.5 डिग्री क्या होता है कम पे क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस टेक्स प्लेस ठीक है अब ये कैसे करता है ये अभी अपन डिस्कस करेंगे हम क्या कर रहे थे सबसे पहले लेयर्स ऑफ टेस्टिस को डिस्कस करने वाले थे ओके वन मोर थिंग दैट इन द लास्ट क्लास आई रोट रॉन्ग ओवर यर आई आई प्रोबेबली रोट visceral or something like that but the three layers of the testes are tunica albuginea tunica vaginalis okay and tunica vasculosa or vascularis hai? vasculosa is the more uh, you know the correct word for this ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्यूनिका एल्बुजीनिया को डिस्कस करेंगे आई माइट नॉट राइट ऑल द थिंग्स जो मैं बोल रही हूँ बट यू गाई शुड राइट इट डाउन ओके सिमिलरली अगेन आई लाइक टू से इतनी सारी डिटेल्स डेफिनेटली आपकी एन सी आर टी बुक में नहीं दे रखी हैं बट जब हम एनसीआर टी पढ़ते हैं तो इट इज रिटन ओवर इट हैज़ अ पेयर ऑफ टेस्ट एंड इट इज आई एम सिचुएटेड इन साइड दॉ हेल्प इन मेन्टेनिंग द टेम्परेचर एंड द टेस्ट इज कवर्ड विद लेयर्स बट वॉट लेयर्स यू सी वॉट लेयर्स तो कुछ चीज़ें उसमें सिर्फ मैंशन कर रखी है लेकिन उसमें उन चीजों की डिटेल नहीं दे रखी तो जो जो चीज़ें आई फील दैट दे आर इम्पॉर्टेंट ओके आई कैन अग्री ऑन दैट के दिज माइट नॉट बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बोर्ड लेकिन जो हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये चीज़ें क्या होती है थोड़ी डिटेल्स में पढ़नी चाहिए तो हम एक बार उसको थोड़ा माइंड में लेके चलते हैं नॉट दैट डिटेल बट एटलीस्ट द बेसिक्स यू शुड नो ओके तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ दी टेस्ट ठीक है नाउ दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस अ मेल टेस्टिस ओके ये क्या था ओवल शेप स्ट्रक्चर था ये सब रामायण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट अब जो फर्स्ट लेयर हम डिस्कस करेंगे इट इज दी ट्यूनिका एल्बजीनिया ठीक है ये जो लेयर है जो आपको यहां पे जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है सपोज इट इज अटेस्ट इज ठीक है उसके जस्ट बाहर वाली जो लेयर होगी जो इस टेस्टिस को एनक्लोज किए हुए है, इस टेस्टिस को कवर किए हुए है, दैट इज दी ट्यूनिका एल्बूजीनिया ठीक है ट्यूनिका एल्बुजीनिया क्या होती है कि जो टेस्टिस की लेयर होती है इट एनक्लोजेस दी टेस्टिस कंप्लीटली ठीक है ये टेस्टिस को क्या करती है कवर करती है ओके okay? एक्सेप्ट दिस पोस्टीरियर पोर्शन थोड़ा um, जो ट्यूनिका एल्बुजीनिया है वो क्या करती है कि टेस्टिस को कवर करती है ठीक है एल्बुजनिया मतलब क्या होता है एल्ब इसका मतलब क्या होता है वाइट मतलब ठीक है वाइट एंड कलर जो हम आगे अम, आगे भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिससे यू नो जहाँ पे एल एल्ब्यू करके कुछ आ रहा है ना तो इट वुड बी वाइट एंड कलर ठीक है तो ये ट्यूने का एल्बोजीनिया क्या होती है कि एक वाइट कलर की लेयर होती है जो कि क्या होती है टेस्टिस को लेयर करती है या कवर करती है ठीक है यही वो लेयर होती है जिसकी वजह से जो वजह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना इट हेल्प्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन एक और चीज़ होती है जो काम आती है कि जैसे एमनियोटिक फ्लूड होता है जब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट दिस प्लेसेंटा एंड ऑल जो um, इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है और ये जब हम पढ़ेंगे ना इसी चैप्टर में तो उसमें भी लर्न अबाउट द एमनिओटिक फ्लोइड और उससे भी सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम एम्योटिक फ्लोइड का एग्जामिनेशन करें लेकिन ये जो सोनोग्राफी वगैरह होती है ना तो जो लोग ये सेक्स इट इज़ नाउ इलीगल बट ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है कि इसी वजह से हो पाता है क्योंकि जो ट्यूनिका एल्बोजीनिया लेयर होती है ये क्या होता है वाइटश इन कलर होती है ठीक है तो जब अल्ट्रासाउंड के ड्यूरेशन में जब ये वाइट लेयर अगर दिखती है तो द डॉक्टर यू नो दे कम टू नो कि भई ये मेल है या फीमेल है ओवरी में ऐसी वाइट लेयर नहीं दिखती ठीक है तो अगर फीमेल होती तो ऐसा कुछ वाइट स्ट्रक्चर नहीं दिखता लेकिन जब भी उनको उस बेबी में वो ये वाइट स्ट्रक्चर ये वाइट लेयर दिखता है तो दे कम टू नो दैट इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल ठीक है तो दिस इज़ द लेयर दैट हेल्प्स इन द सेक्स डिटर्मिनेशन एज वेल ओके ये क्या करती है टेस्टिस को पूरा कवर करती है ओके okay? अब जो सेकेंड लेयर है या जो uh, दूसरी लेयर है जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या हो जाएगी ट्यूनिका uh, uh, वेजिनालिस, ठीक है अब ट्यूनिका वेजिनालिस क्या करती है ट्यूनिका वेजोनालिस में क्या होते हैं कि तीन लेयर्स होती है अपन कह सकते हैं ठीक है बाहर वाली जो सबसे बाहर लेयर होगी सपोज दिस दो लेयर्स होती है, बाहर वाली जो लेयर होगी वो तो कौन सी होगी पेराइटल लेयर ठीक है और जो अंदर वाली लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे विसरल लेयर ठीक है जो बाहर वाली लेयर है उसको हमने क्या कहा पेराइटल लेयर और जो अंदर वाली लेयर है उसको हमने क्या कहा विसरल लेयर ठीक है इसके बीच में क्या होती है कि ट्यूनिका वेजिनालिस की कैविटी प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द पेराइटल लेयर एंड द विसरल लेयर क्या होती है कि ट्यूनिका वेजिनालिस की कैविटी प्रेजेंट होती है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं सिलोम um, फ्लूड कहते हैं आई forgot द नेम एक्चुअली ठीक है आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास बट ये क्या होती है इसकी कैविटी प्रेजेंट होती है इसके अंदर इन दो लेयर्स के बीच में ठीक है ट्यूनिका वेजिनालिस जो होती है ना वो um, ये जो स्ट्रक्चर है मतलब जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है उसको क्या करती है कि पूरा कवर नहीं करती ये ट्यूनिका वेजेनालिस इज नॉट प्रजेंट ऑन दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी है जो ट्यूनिका वेजेनालिस होती है वो टेस्ट को पोस्टीरियरली कवर नहीं कर पाती क्यों क्योंकि पोस्टीरियरली क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं एपिडिडाइमिस ठीक है ये एपिडिडाइमिस क्या है ये एपिडिडाइमिस एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ठीक है दैट इज प्रेजेंट एट पोस्टीरियर साइड ऑफ दी टेस्टिस तो उस वजह से क्या होता है कि जो ट्यूनिका वेजिनालिस है वो इसको अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ तक ही कवर कर रही है ठीक है ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस है ये पूरा जो ब्लू में अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है ट्यूनिका वेजिनालिस ठीक है ये क्या करता है इसको पोस्टीरियरली इस टेस्टिस को पोस्टीरियरली कवर नहीं करता बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट एपडी डाइमस ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ दी ये तो क्या था कि थोड़ा लेयर्स का इंट्रोडक्शन था अब हम एक और चीज को डिस्कस करेंगे कि टेस्टिस जो होती है ना वो टेस्ट स्क्रॉट में बनती नहीं है यूसी ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डेवलप होना चा, चालू होती है और एब्डोमिनल कैविटी से क्या होता है ये टेस्टिस ये स्क्रॉटम के अंदर क्या आती है? होती है स्लाइड डाउन होती है ठीक है ये स्क्रॉटम के अंदर एब्डोमिनल से क्या होता है आती है बाद में ओके तो ये क्या होता है कि आ, ये डिसेंड होती कैसे स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ठीक है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है ना ये जो टेस्टिस है वो क्या होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू एब्डोमिनल से एब्डोमेन से क्या होती है अभी भी अटैच रहती है ये इसी के थ्रू क्या होती है डिसेंड होती है या नीचे आती है इनटू टू दी स्क्रॉटम ठीक है अब स्पर्मेटिक कॉर्ड जो चीज़ है वो खुद क्या है कि एक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं इंग्विनल कैनाल ठीक है एक तो बात थी टेस्टिस की टेस्टिस में क्या था तीन लेयर्स थी ठीक है एल्बोजीनिया थी वेजिनालिस थी वैस्क्यूलोसा थी वैस्क्यूलोसा हम स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ डिस्कस करेंगे ठीक है जो टेस्टिस है वो क्या होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड से अटैच होती है टेस्टिस आर अटैच टू स्पर्मेटिक आर अटैच टू टिक कॉर्ड, ठीक है अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड तो खुद क्या होती है कंटेंट होती है इंग्विनल कैनाल की ठीक है जिसकी जब रिंग्स लूजन अप हो जाती है ना आपने इंग्विनल हर्निया सुना होगा तो क्या होता है कि इस इंग्विनल कैनाल की जो रिंग्स होती है जो इन सारे कंटेंट्स को एक दूसरे में क्या कर रही है बांध के रख रही है आपस में वो रिंग्स जब लूज हो जाती है ना उसी की वजह से जो हर्निया होता है दैट हैपन्स ठीक है तो ये इंग्विनल कैनाल में क्या होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है और इलियो इंग्विनल नर्व्स होती है ठीक है टुगेदर दे फॉर्म दी इंग्विनल कैनाल ठीक है एक कैनाल होती है जिसको हम क्या कहते हैं इंग्विनल कैनाल जिससे क्या होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड आती है ठीक है और ये स्पॉर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है टेस्टिस से अटैच्ड होती है ठीक है अब इसकी क्या लेयर्स है क्या फंक्शन है ये हमको अब पता चलेगा और क्या होती है इंग्विनल कैनाल में इलियो इंग्विनल नर्व्स प्रेजेंट होती है ठीक है पहले हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड को अब सपोज ये क्या थी हमारी टेस्टिस थी ठीक है ये ट्यूनिका एल्बुजीनिया थी बाहर वाली लेयर ठीक है वाइटिश लेयर उसके बाद क्या थी ट्यूनिका वेजिनालिस जो कि इसको क्या कर रही थी सिर्फ पोस्टीरियरली कवर कर रही थी ठीक है अब इसके बाद इसके ऊपर क्या होती है ये स्पोमेटिक कॉर्ड की लेयर्स हो जाएगी सारी ठीक है जो अब मैं बता रही हूँ आई एल ड्राइड विद द हेल्प ऑफ दिस रेड कलर पेन ओके तो जो फर्स्ट लेयर इंटरनल लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं इधर जगह नहीं है तो मैं आगे अब साइड में लिख रही हूँ ठीक है फर्स्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया ठीक है जो स्पर्मेटिक और की जो फर्स्ट लेयर होती है जो कि विसरल लेयर को या um, जो इसकी दिस ट्यूनिका वेजन को क्या करती है इनक्लोज करती है ठीक है वो कौन सी लेयर है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया ठीक है उसके बाद जो सेकेंड लेयर इसको एनक्लोज करती है फर्स्ट लेयर तो क्या हो गई थी इंटरनल स्पोमेटिक फेशिया ठीक है सेकेंड लेयर जो होती है वो क्या होती है क्रिमेस्टिक फेशिया ठीक है सेकेंड लेयर जो होती है वो क्या होती है क्रिमेस्टिक फेशिया ओके थर्ड लेयर जो होती है Hmm. जो थर्ड लेयर थी वो कौन सी होगी क्रिमेस्टिक मसल ठीक है फोर्थ लेयर इज द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया ठीक है ये सारे लेयर्स जो होती है ये मिलके क्या बनाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड को बनाती है ठीक है इसमें बेसिकली कितनी लेयर हो गई चार लेयर्स हो गई जो कि क्या कर रही है स्पर्मेटिक कॉर्ड को बनाती है जिसमें अंदर वाली लेयर कौन सी हो गई इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया ठीक है दिस इज़ इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया

ओके, okay. ये सब मिलके क्या बनाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है जो सबसे आउटर लेयर होती है टेस्टिस की दैट इज दैट इज ऑफ द डार्टोस मसल ठीक है जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना टेस्टिस की दैट इज ऑफ दी डार्टोस मसल ठीक है अब जैसे कि आ, मैंने बताया था या जैसे कि हमें अब पता है कि जो स्पर्म्स होते हैं उनके लिए क्या होता है कि भई टेम्परेचर ज़रूरी होता है बिलो दी बॉडी टेम्परेचर ठीक है टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री बिलो दी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होता है टेम्परेचर ठीक है तो हमने कहा था कि भाई स्क्रॉटम क्या करता है उसको इस चीज़ में हेल्प करता है अब मैं बताती हूँ हेल्प करता कैसे जो डार्टोस मसल है ठीक है डार्टोस मसल और क्रिमेस्टिक मसल जो हैं ठीक है ये क्या करती है अगर मसल है तो इनमें कैपेबिलिटी है कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का तो ये क्या करती है सपोज जैसे आम, आम, सपोज अगर बाहर थोड़ी ज़्यादा ठंड है ठीक है अगर बाहर का टेम्परेचर लो है तो ये क्या कर देगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी ठीक है ये जो स्क्रॉटम के अंदर ये जो स्पॉमेटिक कॉर्ड वाली मसल्स प्रेजेंट हैं ये जो लेयर्स हैं जो टेस्टिस की कवरिंग्स हैं ये क्या कर लेगी खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी मतलब अगर बाहर ठंड है तो इन्होंने क्या कर लिया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ख़ुद को अब इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो स्क्रॉटम है जो टेस्टिस है वो क्या आ जाएगा खुद की बॉडी के जो मेल बॉडी है उसके क्या हो जाएगा क्लोज आ जाएगा ड्यू टू दी कॉन्ट्रैक्शन अगर कोई चीज़ इतनी लंबी है मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया झट से ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मतलब क्या हो गया ये मेरी इस बॉडी के पास आ गया करीब आ गया ठीक है तो इस वजह से क्या हो जाएगा अगर बाहर ठंड है तो मेरी बॉडी तो थर्टी सेवन पे ही टिकेगी ना बाहर ठंड है तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा तो वो क्या कर रही है उस बाहर की ठंड से बचाने के लिए क्या कर रही है आ, और जो स्पमेटोजेनिस के लिए जो टेम्परेचर जरूरी है उसको बनाए रखने के लिए क्या कर रही है अपनी बॉडी हीट को यूज़ कर रही है कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी बॉडी के पास ला सिमिलरली अगर बाहर गर्मी है ठीक है तो वो क्या करेगी उस केस में वो रिलैक्स कर ले अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है ठीक है अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा अगर अपनी बॉडी गर्म ज़्यादा है तो वो क्या कर लेगी रिलैक्स कर लेगी ताकि बाहर की जो इन्वायरमेंट की ठंडक है वो वो ले सके ताकि वो क्या कर सके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करके रख सके अकॉर्डिंग टू द टू द टेम्परेचर चेंजेस जो बाहर है जो बॉडी के अंदर है ये मसल्स क्या करती है मिलके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है जिसकी वजह से क्या होता है कि टेस्टिस बॉडी के पास और दूर जाती रहती है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो बॉडी टेम्परेचर है सॉरी जो स्क्रॉटम का टेम्परेचर है वो क्या रहेगा थोड़ा मेनटेन्ड रहेगा फॉर द स्पमेटोजेनेसिस या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पॉम्स ठीक है अब ये तो हुई स्पोमेटिक कॉर्ड की लेयर ठीक है अब अपन ने बात की कि जो इंग्विनल कैनाल है वो तो इलियो इग्विनल नर्व से बनती है मतलब ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर अपन मिलाते हैं तब जाके क्या बन रही है हमारी इंग्विनल कैनाल बन रही है तो क्या होता है कि एक पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस करके प्लेक्सिस मीन्स नेटवर्क ठीक है इफ़ यू सी हियर ये क्या आ रही है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड है साथ में क्या होती है ब्लड और ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी आती है इसी जगह पे क्या होता है कि एक पेम्पिनिफोम प्लेक्सस करके क्या होता है नर्व वेसल्स का या ब्लड वेसल्स का क्या होता है एक नेटवर्क होता है जो कि क्या करता है आगे जाके वास डिफरेंस को हम पढ़ेंगे वास डिफरेंस क्या होता है उसको क्या करती है सप्लाई करती है और यही जो पैम्पिनिफॉम प्लेक्सस है ठीक है यही जो पैम्पिनी फॉर्म प्लेक्सस है ठीक है यही क्या आगे जाके बना यही क्या कर रही है उसकी लेयर बनाती है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा ठीक है ये पेम्पिनिफोम प्लेक्सस ये जो ब्लड वेसल्स ये जो नर्व्स हैं, जो कि स्पॉमेटिक कॉर्ड से नीचे डिसेंड कर रही हैं ये क्या करती है कि टेस्टिस को सराउंड करती है टेस्टिस को लाइन अप करती हैं उस लेयर को हमने क्या कहा ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा वैस्क्यूलोसा इट्स सेल्फ मीन्स समथिंग वैस्क्यूलर ठीक है वैस्क्यूलर में क्या होगा अगर कोई वैस्क्यूलर स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या होती है ब्लड वेसल्स होती है जो कि क्या करती है ब्लड को सप्लाई करती है नर्व्स होती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है तो ये क्या करती है भाई कि वास से डिफरेंस को जाके सप्लाई करती है और जो टेस्टिस को क्या करती है थोड़ा लाइन करती है और इस लेयर को हम क्या कहते हैं वैस्क्यू लोसा कहते हैं क्योंकि इट इज़ अ वैस्क्यूलर लेयर इसमें क्या है ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट है ठीक है ये तो हुई बात ऊपर ऊपर की स्पर्मेटिक कॉर्ड की ठीक है स्क्रॉटम क्या है कैसे नीचे आया जो भी था एक ऊपर ऊपर से हमने बात कर ली वन मोर स्ट्रक्चर इज लेफ्ट जिसके बारे में हम एक मतलब स्लाइट इंट्रोडक्शन लेंगे आ, जिसको हम क्या कहते हैं गुबर्नाक्यूलम ठीक है गुबर्नाक्यूलम क्या होता है कि जब टेस्टिस नीचे डिसेंड हो रही होती है ठीक है जब नीचे एब्डोमिनल कैविटी से आ रही होती है तो टेस्टिस और स्क्रॉटम के बीच में क्या होते हैं कि कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं सपोज दिस इज एक टेस्टिस का भी एक बार एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं सपोज दिस इज़ अ स्क्रॉटम ठीक है और इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है तो इसके क्या होते हैं कि लोअर या इन्फीरियर पार्ट में क्या होते हैं कि कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं कि स्क्रॉटम को टेस्टिस से अटैच करते हैं ऐसे जोड़ के रखते हैं वहाँ पर इन लिगामेंट्स को हम क्या कहते हैं युबरना क्यूल ठीक है एक बार ये जो स्ट्रक्चर था वो मोटा मोटा जो था वो टेस्टिस के बाहर का या उसके लेयर्स का स्ट्रक्चर था ठीक है अपन पहले इसको डिस्कस कर लेंगे फिर विल ले एंटर दी टेस्टिस जो इनसाइड जो उनके स्ट्रक्चर है वो क्या क्या होते हैं ठीक है थीके? सबसे पहले था कि टेस्टिस हमारा मेल गोनाड है जो कि क्या होता है तीन लेयर्स से लेयर्ड होता है या सराउंडेड होता है ठीक है फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था ट्यूनिका एल्बुजीनिया ठीक है जो कि क्या होती है एक वाइट कलर की लेयर होती है ठीक जो कि क्या कर रही है कि टेस्टिस को पूरा सराउंड करती है कंप्लीटली जो क्या करती है टेस्टिस को सराउंड करती है ठीक है और ये क्या होती है वाइट कलर की लेयर होती है और यही वो लेयर है जो कि क्या होती है कि काम आती है मतलब काम तो क्या है? आती है इट इज़ नाव इट इज़ इिगल बट जो सोनोग्राफी होती है उसमें यही लेयर होती है जिसकी वजह से पता चलता है कि इट इज़ अ बॉय और इट इज अ गर्ल बिकॉज दिस वाइट स्ट्रक्चर इज ऑल ओनली सीन इन साइड दीक है ये हो गई ट्यूनिका एल्बजीनिया अब क्या होगा कि इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस ट्यूनिका वेजिनालिस में क्या होती है कि तीन uh, तीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं या मतलब दो लेयर्स होती है और उसके बीच में क्या होती है एक कैविटी प्रेजेंट होती है ठीक है जो आउटर uh, लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं पेराइटल लेयर और जो कि इनर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं स्विसरल लेयर ठीक है layer, और इन दोनों के बीच में क्या होती है एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं सीमर फ्लूड ठीक है fluid, इसके बीच की कैविटी को हम क्या कहते हैं सीमर फ्लूइड ठीक है अब यह क्या करती है कि जो टेस्टिस है उसको पोस्टीरियरली कवर नहीं करती ठीक है ट्यूनिका वेजनालिस इसको कवर तो करती है टेस्टिस को लेकिन पोस्टीरियरली इट इज एब्सेंट पोस्टीरियरली क्यों एबसेंट होता है क्योंकि पोस्टीरियरली टेस्टिस पे एक और स्ट्रक्चर अटैच होता है दैट इज दी एपीडी डायमिस ठीक है उस वजह से क्या होता है कि ट्यूनिका इसको बस यहीं तक कवर करती है पूरा पोस्टीरियरली उसको कवर नहीं कर पाती ठीक है अब जो आ, जो टेस्टिस है ये तो हो गई कि टेस्टिस को कौन सी लेयर सराउंड कर रही है जो टेस्टिस है वो खुद क्या होता है एक कॉर्ड से अटैच्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड ठीक है स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है वो खुद एक कंटेंट होती है एग्विनल कैनाल का जो कि क्या करती है कि एब्डोमिनल कैविटी से नीचे डिस्ट आ, सॉरी डिसेंड होती है जो नीचे की तरफ आ रही होती है टेस्ट की टेस्टिस की तरफ उस कैनाल को हम क्या कहते हैं इंग्वेनल कैनाल और इसी कैनाल की जब रिंग्स जो होती है लूजन अप होती है जो अपने कंटेंट्स को एक साथ नहीं रख पाती वो रिंग्स जब इस इंग्वेनल कैनाल की लूजन अप होती है उसी की वजह से जो हर्निया होता है वो किसी भी पर्सन को हर्निया इस वजह से होता है ठीक है अब जो इंग्विनल कैनाल होती है वो क्या करती है स्पर्मेटिक कॉर्ड को कंटेन करती है जिससे टेस्टिस अटैच होता है और इसमें और क्या होती है इलियो इंग्विनल नर्व्स होती है ठीक है इलियो इंग्विनल नर्व से अभी हमको मतलब नहीं है अभी हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड को क्योंकि टेस्टिस को ये कवर कर रही है ठीक है अब स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो टेस्टिस को कैसे सराउंड कर रही है स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होती है चार लेयर्स होती है ठीक है फर्स्ट वन इज द इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया

वो करती है दैट इज नेसेसरी फॉर दस स्पर्मेटोजेनेसिस जेनेसिस ठीक है इसमें क्या करती है कि जो स्पेशली जो डार्टोस मसल और जो क्रिमेस्टिक मसल्स हैं वो क्या करती है कि अगर मसल है तो इनमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है तो जबी भी बाहर का टेम्परेचर सपोज uh, अगर आई मीन ठंडा है ठीक है बाहर अगर ठंडा इन्वामेंट है तो वॉट इट विल डू इट विल कॉन्ट्रैक्ट दिस मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल ब्रिंक द टेस्टिस टुवर्ड्स दी बॉडी ठीक है ताकि बॉडी हीट क्या हो जाए उसको मिलती रहे और बाहर का टेम्परेचर और ये बॉडी हीट मिला के ये कहीं ना कहीं क्या कर जाए अपने इस का जो टेम्परेचर है उसको ये क्या कर पाए मेंटेन करके रख पाए अगर ज़्यादा ठंडा हुआ टेम्परेचर टेस्टिस का ठीक है तो भी इस नहीं हो पाएगा और ज़्यादा गर्म हुआ तो भी नहीं हो पाएगा तो उस ठंडक से बचने के लिए ये क्या करती है जब उसको थोड़ी गर्मी चाहिए होती है तो ये बॉडी हीट की तरफ क्या करती है कॉन्ट्रैक्ट करती है और टेस्टस को बॉडी की तरफ ले आती है ताकि क्या हो सके इसको बॉडी हीट मिल सके और जो टेम्परेचर है स्पोमेटोजेनेसिस के लिए वो मेंटेन्ड रह पाए एंड वाइस ए ठीक है अब ये तो हो गई हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड की बात ठीक है अब क्या होती है कि जो इससे ब्लड वेसल्स आती हैं सॉरी इससे जो ब्लड वेसल्स आती हैं ठीक है थीके? तो ब्लड वेसल्स और नर्व्स क्या करती है एक्सटेंड डाउन होती है नीचे वासर डिफरेंस की तरफ वासर डिफरेंस के पैरल लिए पास में जो कि क्या करती है सप्लाई करती है इनको ब्लड वेसल्स और नर्व क्या करती है वासा डिफरेंस वगैरह को क्या करती है सप्लाई करती है और यही जो ब्लड वेसल्स वगैरह की लेयर है इसको हम क्या कहते हैं ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा ठीक है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा क्योंकि इट इज़ अ वेस्क्युलर स्ट्रक्चर और वेस्क्युलर स्ट्रक्चर मतलब ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा ठीक है तो ये हो गई टेस्टिस की जो मेन लेयर्स हैं उनकी बात ठीक है और हमने क्या किया उनका फंक्शन भी डिस्कस कर लिया एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटम से कुछ लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड होती हैं इन्फीरियरली ठीक है उन लिगामेंट्स को क्या कहते हैं ग्यूबर्नक्यूलम ओके तो ये था टेस्टिस के बाहर का स्ट्रक्चर इसकी लेयर्स क्या है क्या फंक्शन है ये था इसका स्ट्रक्चर ठीक है अब जो ट्यूनिका एल्बोजनिया है वो क्या करती है अगर आप अपन इसके अंदर चलें तो जो um, जो ट्यूनिका एल्बेजनिया है वो क्या करती है अंदर सेप्टल्स बनाती है कंपार्टमेंट्स बनाती है ठीक है तो हर टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं ठीक है ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स और सेप्टास या लोब्यूल्स ठीक है ज अराउंड टू फिफ्टी कंपार्टमेंट और लोब्यूल्स और सेप्टासप्टास ये जो बनाती है ट्यूनिका एल्बिजीनिया से तो उस वजह से क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और ईच टेस्टिस कंटेन्स अराउंड टू फिफ्टी टू फिफ्टी कंपार्टमेंट्स ठीक है हर कंपार्टमेंट में क्या होती है कि एक कोइल्ड ट्यूब प्रेजेंट होती है ठीक है एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उन कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ठीक है tubules, हर एक कंपार्टमेंट में क्या होता है कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ये कॉइल्ड ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ठीक है और ईच कंपार्टमेंट कंटेन्स अराउंड थ्री टू फोर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ठीक है हर एक कंपार्टमेंट में क्या होता है कि कम से कम तीन से चार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है ठीक है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है कि लाइक दीज आर द साइट्स वेयर द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस यही वो स्ट्रक्चर है यही वो जगह है जहाँ पे स्पॉम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ठीक है इसमें क्या होता है कि दो तरह के सेल्स होते हैं ठीक है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स फर्स्ट वन इज दी जॉम सेल सेकेंड वन इज दी सर्टोली सेल्स फर्स्ट वन इज द जॉम सेल्स एंड द सेकेंड वन इज दर्टोली सेल्स ठीक है जो सेमिनी वेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या होती है कि दो सेल्स को ले कंटेन करती है अपने अंदर फर्स्ट वन इज द जॉम सेल सेकेंड वन इज द सर्टोली सेल्स ठीक है अब जो जॉम सेल्स है दीज आर द सेल्स जो कि आगे जाके क्या करते हैं स्पोमेटोजेनेसिस में सॉरी आगे जाके मियोटिक डिविजन करके क्या करते हैं स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं स्पर्म्स को फॉर्म करते हैं ठीक है दीज मेल जॉम सेल्स मियोसेस एंड फॉर्म स्पर्म्स ठीक है वेयर एज जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या करती है इन स्पर्म्स को जब मेचोर हो रहे होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ठीक है ये जो जॉम सेल्स हैं ये क्या करेंगे डिवाइड होके स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो सर्टोली सेल्स है वो क्या करेंगी उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ठीक है आज की क्लास पे अपन इतने पे ही खत्म करते हैं ठीक है आ, आ, सेमिनी ट्यूब्यूल्स पे जो बाकी का टेस्टिस का स्ट्रक्चर है इन सारे स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस हैं विल डिस्कस इट इन दी नेक्स्ट क्लास ओके